वेलकम टू माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आर्य एंड आदित्य क्लासेस दोस्तों, आज हम जो है क्लास एट्थ, ये जो है क्लास एट एमपी बोर्ड परीक्षा अध्ययन का जो है सेट नंबर टू, सब्जेक्ट है साइंस। सब्जेक्ट है साइंस, परीक्षा अध्ययन का सेट नंबर टू, इसकी एक्सरसाइज इसके अंदर हम देखेंगे। सेट नंबर वन मैं इसके पहले करा चुका हूँ, आपको जो है उसमें मिल जाएगा मेरे चैनल पे। और यदि ये अच्छा लगता है वीडियो आप, तो इसको लाइक और कमेंट्स कीजिए, और इसको सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी आप कर सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग इसको कितना पसंद कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज टू सेपरेट सीट एंड चाफ फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप। इसका मतलब यह है कि कौन सी मशीन यूज की जाती है बीज और भूसा को, जो खेती आपकी जो खेती पक जाती है उसको काटने के बाद। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे हमने गेहूं की बुआई की, और उसको बुआई के बाद जो है हमें उससे उससे भूसा होगा और उसमें जो बीज है उसको निकालना है, जिसको हम गेहूं बोलते हैं, गेहूं की फसल से बाद। तो उसके लिए जो उसको हार्वेस्ट मतलब उसको कटाई के लिए, अब आप कौन सी मशीन आप यूज करते हो, और इन सब चीजों को निकालने के लिए आप कंबाइन मशीन आपने उसमें जो है यूज की जाती है। तो इसकी स्पेलिंग है COMBINE, तो कंबाइन मशीन इसके लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पेंट्स। अब पेंट को बनाने के लिए पेट्रोलियम का कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाता है, तो ध्यान होना चाहिए कि जो पेंट बनता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उसके लिए हम जो है बिटुमिन यूज किया जाता है। कौन सा? BITUMINE, बिटुमिन यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रोडक्शन बाय द बाइनरी फिजन मेथड टेक प्लेस। अब बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर। तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। इसमें अलग अलग पार्ट में जो है अमीबा जो है डिवाइड हो जाता है, और वो इंडिपेंडेंट जो है अमीबा बन जाते हैं। तो ये जो जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्वेश्चन नंबर फोर बोलता है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर मतलब हमारा जो वायुमंडल है एटमोस्फियर, तो वो भी एक प्रेशर क्रिएट करता है सभी चीजों के ऊपर, उसे हम बोलते हैं, उसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर तो एटमॉस्फेयर इसी में है, प्रेशर भी इसी में है, तो आप इससे ही आंसर लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक और ये प्रेशर। तो यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हेन अ बॉडी स्लिप ओवर द अनदर बॉडी देन द फ्रिक्शन फोर्स टेक प्लेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज है, जैसे मैं ये पेन की बात करूं, यदि मैं इस पे रब कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच में एक फ्रैक्शन क्रिएट हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि व्हेन अ बॉडी, जब एक बॉडी स्लिप होती है एनादर मतलब दूसरी बॉडी पर, तो जो फ्रैक्शन फोर्स लगता है वो कहाँ पर लगता है? वो बोथ दोनों सरफेस पर लगता है। तो दोनों सरफेस पर वो लगता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द सोविंग ऑफ डैश क्रॉप इज कंप्लीट फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो कौन सी फसल जो है जून टू सेप्टेम्बर, जिसका एक जो है जून जो सोविंग जो बुआई की जाती है, इसका जो प्रोसेस होता है, तो खरीफ की फसल जो है जून में बो दी जाती है और सेप्टेम्बर में
जो है काट ली जाती है, तो ऐसी कौन सी फसल, वही बोल रहा है कि जो कंप्लीट होता है ये साइकिल जून से सितंबर के बीच में, उसको हम बोलते हैं खरीफ। खरीफ की स्पेलिंग KHARIF। तो खरीफ का मतलब जो बरसात में बोई जाने वाली है, जैसे मैं बोलूँ धान हो गया आपका, मेज मतलब मक्का हो गया, ये सब आपकी जो है खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो इनका जो साइकिल होता है, साइकिल मतलब इनका जो ड्यूरेशन होता है, जून में लगभग जून जुलाई में वही इनकी हो जाती है और सितंबर में काट ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग वेरियस फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम जमीन के नीचे से निकलता है, उसमें अलग अलग, उसमें जो है अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग चीज़ें जो है इकट्ठी कर ली जाती हैं कि गैसेस फॉर्म में कहाँ पे निकलेगा, कोल तार कहाँ में मिलेगा। तो ये जब आप पेट्रोलियम वाला चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा। तो द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग वेरियस, जो फ्रैक्शन अलग अलग किए जाते हैं पेट्रोलियम से, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग की स्पेलिंग होती है REFINING। नेक्स्ट है द डैश इज द प्रोसेस विच कन्फर्म द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थ। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे ये कन्फर्म होता है कि लाइफ अर्थ पर रहेगी या नहीं रहेगी। तो ऐसा प्रोसेस है आपका रिप्रोडक्शन। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि सभी अपने यंग वंश पैदा करते हैं, यदि यंग वंश नहीं होंगे तो वहां पर दुनिया नष्ट हो जाएगी, उसकी स्पेसीज खत्म हो जाएंगी, वो इंडेजर्ट कंडीशन में आ जाएंगी। जैसे डायनासोर की बात करूं, उसके स्पेसीज नहीं है, उसका रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, या किसी कारणवश उसकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई, वहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो वो क्या, उससे वहां पर वो अर्थ में वो नहीं रह पाएंगे। तो ये बोला कि लाइफ ऑन द अर्थ पे कंटिन्यूटी नहीं रह पाएगी, तो इसके लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन। REPRODUCTION। उसके बाद द क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द पुश आर द पुल अप्लाइड अपॉन ऑब्जेक्ट। तो पुश मतलब पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्के मारना, धक्का मारना, अप्लाइड अपॉन किसी ऑब्जेक्ट पर धक्का। जैसे मान लीजिए गेट है, गेट को आप धक्का मार के अंदर की तरफ खोलते हैं और उसको बंद करने के लिए अपनी तरफ खींचते हैं, तो पुश या पुल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुश और पुल करने को हम बोलते हैं फोर्स, FORCE, फोर्स। फोर्स मतलब बल लगाते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द साउंड, अधिकतम स्पीड साउंड की किसमें होती है, तो साउंड की सबसे ज्यादा स्पीड होती है सॉलिड के अंदर। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यदि आप लोहे की एक रॉड ले लें लंबी सी, यदि चाहे वो 10 मीटर या 15 मीटर को हो, और एक उसके एक कोने पर यदि आवाज, उसमें कुछ भी, उसमें आप दूसरे आयरन आइटम से यदि उस पर आप थोड़ा सा धक्का मारते हैं या उसमें नॉइज करते हैं, आवाज करते हैं उस पर, तो दूसरे कोने तक भी वो सुनाई देती है। लेकिन लकड़ी में ऐसा नहीं होता है, तो सॉलिड की बात करूं, लेकिन लिक्विड में ये सब चीज नहीं, लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं है। तो मैक्सिमम जो स्पीड होती है साउंड की, वो किस में होती है आपका, सॉलिड के अंदर होता है, कि तुरंत वहां से दूसरी तरफ, दूसरे एंड तक आवाज पहुंच जाती है। तो आई होप आपको सेट नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक बार मैं आपको ये स्क्रीनशॉट फिर से, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज यूज टू सेपरेट सीड एंड अ कॉप फ्रॉम द हार्वेस्टेड कॉप, इसको बोलते हैं कंबाइन। विच प्रोडक्ट ऑफ द पेट्रोलियम इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पेंट, वो है बिटुमेन होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन बाय द बाइनरी फिजन मेथड इज टेक प्लेस इन द अमीबा होता है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमोस्फियर, इसको बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद वेन अ बॉडी स्लिप्स ओवर अनदर बॉडी देन द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द बोथ द सरफेस। उसके बाद द सोविंग ऑफ डैश क्रॉप इज कंप्लीटेड जून, तो उसको हम बोलते हैं खरीफ की फसल होती है, क्रॉप मतलब फसल होता है। द प्रोसेस ऑफ द सेपरेटिंग वेरियस फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम, उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। उसके बाद द डैश इज द प्रोसेस विच कंफर्म द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। द पुल और द पुश आर द पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द साउंड इज किस में होती है, वो सॉलिड में होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा तो इसको जो है, मेरा चैनल आर एंड आदित्य क्लास है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, और अच्छा या नहीं लगा, लगा या नहीं लगा, इस पर कमेंट भी आपको जरूर भेजना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेट के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मैं इसे पूरे जो है पूरे सब्जेक्ट मैं कराऊंगा, और आपको एग्जाम्स पहले जो है इसको मैं पूरा सभी का जो है चैप्टर वाइज भी करा दूंगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।